नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की उदया तिथि चतुर्थी और मंगलवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज दोपहर 2:42 तक रहेगी। आज वायनाई की श्री गणेश चतुर्थी व्रत किया जाएगा। आज रात 11:04 तक साध्य योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर 12:35 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आज दोपहर बाद 3:43 पर सूर्यदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य, जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जायद योग की। तो बता दूं कि आज यह योग नहीं बन रहा है। आज यह योग 15 फरवरी की सुबह 10:14 से अगली सुबह 6:36 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज यह योग सुबह 6:38 से शुरू हो चुका है और दोपहर 12:35 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो किसी को प्रपोज करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 14 फरवरी की सुबह 7:01 से दोपहर 12:10 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 फरवरी की सुबह 10:13 से दोपहर पहले 11:26 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 फरवरी की सुबह 7 से सुबह 9:26 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 14 फरवरी की दोपहर पहले 11:13 से दोपहर 12 तक और एक बार फिर दोपहर 1:56 से रात 8:48 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 14 फरवरी की दोपहर 1:26 से रात 8:18 तक और एक बार फिर रात 10:35 से सुबह 5:17 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 29 फरवरी की सुबह 6:47 से सुबह 7:31 तक और एक बार फिर सुबह 8:56 से सुबह 10:22 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 14 फरवरी की सुबह 10:43 से दोपहर पहले 11:30 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब ये अशुभ समय कल यानी कि 14 फरवरी की सुबह 8:43 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 पहले और 12 बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए।
अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा दोपहर बाद 3:22 से शाम 4:45 तक, मुंबई दोपहर बाद 3:45 से शाम 5:11 तक, चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:22 से शाम 4:44 तक, लखनऊ दोपहर बाद 3:08 से शाम 4:32 तक, भोपाल दोपहर बाद 3:24 से शाम 4:48 तक, कोलकाता दोपहर 2:40 से शाम 4:06 तक, अहमदाबाद दोपहर बाद 3:43 से शाम 5:08 तक, और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर बाद 3:18 से शाम 4:46 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज पूरा दिन खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। लोग आपके व्यवहार से खुश रहेंगे। आप किसी बड़े बिजनेस ग्रुप से पार्टनरशिप करने पर विचार करेंगे। आज आपको उम्मीद से ज़्यादा धन लाभ होने वाला है। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों का आज में समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आपकी क्रिएटिविटी की लोग सराहना करेंगे। दांपत्य जीवन में सुखों की बढ़ोतरी होगी। आज आपकी सेहत में सुधार आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आज आपके व्यापार में रोज की अपेक्षा ज़्यादा लाभ होगा। नव विवाहित दंपति के बीच आज मीठी नोकझोंक होगी। इससे रिश्तों में और मिठास आएगी। आज पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। नौकरी कर रहे लोगों को आज अपना काम पूरा करने के लिए थोड़ा अधिक मेहनत करने की जरूरत है। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा का बेहतर परिणाम मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहने वाला है। कार्यों में सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। मिथुन राशि वालों, आज आप में एक नई उमंग और खुशी रहेगी। आज आप जो भी काम करेंगे वो पूरे मन से करेंगे। कोई नया अनुभव आपको मिलेगा। मानसिक परेशानी का निवारण होगा जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपका सामाजिक दायरा और सम्मान बढ़ेगा। आप किसी मित्र का सहयोग लेंगे। आज आपको बात करते समय अपनी भाषा पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, अन्यथा कोई आपका विरोध कर सकता है। रिश्तेदारों के घर आने से दिन भर का शेड्यूल बदल सकता है। घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छे परिणाम लाने वाला होगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलने के योग बने हुए हैं, लेकिन पढ़ाई में और मेहनत करने की जरूरत है। आज घर वालों के साथ अच्छा समय बिताने को मिलेगा जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। जूनियर आपसे काम सीखना चाहेंगे। लवमेट के साथ रिश्तों में सुधार आएगा। आज आपको अपने कार्यों में राजनीतिक रिश्ते का फायदा मिलेगा। आपका काम करीबी दोस्त की सहायता से पूरा हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आपको घर के बड़ों से कुछ प्रेरणा मिलेगी। आज आप जो भी काम करेंगे वो सफल होगा। आज आपका स्वास्थ्य पहले से उत्तम रहेगा। कोई रिश्तेदार आज आपको बिजनेस को बढ़ाने के लिए सुझाव देगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बड़े बुजुर्ग आपके व्यवहार से प्रसन्न रहेंगे। लोग आपकी वाहवाही करेंगे। आज आपको वाहन चलाते समय खास सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। बच्चे आज आपसे अपनी पढ़ाई की जरूरत का सामान खरीदवा सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आज काम व पारिवारिक रिश्तों के बीच सामंजस्य बनाए रखेंगे। आज किसी काम को पूरा करने के लिए नए तरीकों पर विचार करेंगे। व्यवसाय कर रहे लोग
व्यवसाय को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, नए वाहन का सुख प्राप्त होगा, जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। आज घर के कामों को करने के बाद हाउसवाइफ्स फोन पर बातचीत करके अपना कुछ समय व्यतीत करेंगी। आज माता पिता का सानिध्य व सहयोग मिलने से विद्यार्थी खूब मन लगाकर पढ़ाई करते हुए नजर आएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 9। तुला राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। व्यापार में रुकी हुई योजनाओं को शुरू करने से आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी। नौकरी कर रहे लोगों को आज दिए गए कार्यों को समय पर पूरा करना होगा, नहीं तो सीनियर से डांट भी खानी पड़ सकती है। लवमेट के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे तो एक दूसरे को और अधिक जानने का मौका मिलेगा। आज आपको अपनी सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। आप अपनी होशियारी और प्रभाव का उपयोग घरेलू मुद्दों को हल करने के लिए करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज बेवजह की उलझन से दूर होकर आप किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर अपना खाली समय बिताएंगे। यात्रा पर भी जाने के योग बन रहे हैं, यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी। आज आप अपने खाली समय में अपनी अच्छाइयों और कमियों के बारे में विचार करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप दुनिया की भीड़ में कहीं खो गए हैं तो अपने लिए वक्त निकालें और अपने व्यक्तित्व का आकलन करें। पुराने मित्रों के साथ कुछ समय व्यतीत करेंगे जिससे आपकी पुरानी यादें ताज़ा होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज का दिन खुशियों का नया रास्ता दिखाएगा। किसी पार्क में परिवार वालों के साथ घूमने का प्लान कैंसिल होने की संभावना है। पारिवारिक सुख सुविधा का लाभ मिलेगा। आप किसी राजनेता से संपर्क करेंगे, फुल कॉन्फिडेंस से अपने सभी रुके कामों को गति देंगे। अपनी योजना में जोड़ने के लिए आपको अन्य सहयोगियों की जरूरत पड़ सकती है। आप आज भक्तिमय रहेंगे, गौ सेवा करने का मन बनाएंगे। आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आज आपके सारे काम सफल रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 8। मकर राशि वालों, आज का दिन आपका बहुत बढ़िया रहेगा, मन खुश रहेगा। आपको सब्र रखना होगा, ऑटोमोबाइल के व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। आप अपने दोस्तों या सहयोगियों के साथ किसी टूर पर जाएंगे। प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े लोगों से आप लाभ की प्राप्ति करेंगे। नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आपके सगे संबंधियों से मेल जोल बढ़ेगा। किसी नए काम को शुरू करने के लिए आज आप उत्साहित रहेंगे। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। किसी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरने का मन बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आप किसी व्यक्ति की मदद करेंगे जिससे पूरा दिन आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहेगी। आज आप जिस किसी भी काम की शुरुआत करेंगे वो समय से पूरा हो जाएगा। किसी नए रिश्ते की शुरुआत करने का मौका मिलने की संभावना है। साथ ही अपने नज़दीकी रिश्तों को सुधारने की कोशिश करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। आज ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। संतान के करियर को लेकर आप थोड़े चिंतित रहेंगे। आप अपनी संतान के करियर के लिए उसके गुरु से बातचीत कर सकते हैं। लव मेट्स के लिए आज का दिन अच्छा है, कहीं बाहर घूमने का प्लान बन सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आप माता को कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, आपकी माता को खुशी होगी। आज आपका रुका हुआ काम पूरा होगा। आज आप बोलने के बजाय सुनने पर ज़्यादा ध्यान दें, इससे आपको कोई जरूरी बातें पता चल सकती हैं। कुछ नए लोग आपकी बात से प्रभावित होकर आपसे बातचीत करना चाहेंगे। इस राशि के जो लोग कवि हैं, आज उनकी किसी कविता की तारीफ हो सकती है जिससे मन खुशनुमा रहेगा। साथ ही आज आपका खर्चा बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज धर्म स्थल पर माथा टेकें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ बैठकर भोजन करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज ऑफिस में बॉस आपकी तारीफ करेंगे, आपको खुद पर गर्व होगा। मूलांक 2,
जिन मित्रों से किसी छोटी बात को लेकर अनबन हो गई थी आज वो खत्म हो जाएगी। मूलांक 3, व्यावसायिक दृष्टि से आज का दिन फायदेमंद रहेगा, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। मूलांक 4, आज का दिन बेहतर रहेगा, आज कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। मूलांक 5, आज लवमेट के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। मूलांक 6, बनते हुए काम में कोई समस्या आने के कारण आपको दोस्त की मदद लेनी पड़ सकती है। मूलांक 7, आज संतान से आर्थिक रूप से मदद मिलेगी, पुरानी आर्थिक परेशानियां कम हो जाएंगी। मूलांक 8, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें आज किसी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिल सकता है। मूलांक 9, आज का दिन काफ़ी शानदार रहेगा, दोस्तों के साथ मूवी देखने का प्लान बना सकते हैं। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर में उपयोग होने वाले पानी के नल, शावर, वॉश बेसिन और गीजर को सही दिशा में लगाने के बारे में। पानी या फिर जल से जुड़ी ये सभी वस्तुएं हमारी दिनचर्या में अहम भूमिका निभाती हैं, इसलिए ये अगर सही दिशा में न लगी हों तो ये नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पानी के नल को और शावर को घर की उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। वॉश बेसिन को भी उत्तर या फिर ईशान कोण पर ही होना चाहिए। वहीं गीजर को घर के आग्नेय कोण पर होना चाहिए। नहाने के लिए उपयोग में आने वाला बाथ टब भी आप उत्तर या ईशान कोण में रख सकते हैं। अब देखो, घर के सबसे ऊपर अगर आपने बाथ टब रख दिया ईशान कोण में तो आपका नॉर्थ ईस्ट सबसे ऊंचा हो जाएगा, इसलिए कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि उसको साउथ वेस्ट में रखें ऊपर वाला टब, लेकिन अपने बाथरूम के अंदर जो रखना है वो नॉर्थ ईस्ट में रखें। साथ ही घर से पानी की निकासी की व्यवस्था उत्तर दिशा में करवानी चाहिए। इन सब के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना चाहिए कि पानी के नल और शावर को उपयोग करने के बाद सही ढंग से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर इनसे पानी टपकता है तो घर में धन संबंधी दिक्कतें आती हैं और कई तरह के नुकसान होते हैं। तो वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा घर में उपयोग होने वाले पानी के नल, शावर, वॉश बेसिन और गीजर को सही दिशा में लगाने के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की उदया तिथि चतुर्थी और मंगलवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज दोपहर 2:42 तक रहेगी। आप जानते हैं कि हर महीने के कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की चतुर्थी को भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है, जिसमें से कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी कहा जाता है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायिकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत कहा जाता है। और आज माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायिकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत किया जाएगा। साथ ही आज मंगलवार का दिन होने से ये अंगारकी चतुर्थी हो गई है। अंगारकी चतुर्थी का व्रत कर्ज से छुटकारा दिलाने में कारगर साबित होता है। इसके अलावा बता दूं कि माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को तिल चतुर्थी, कुंद चतुर्थी अथवा तिल कुंद चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा में तिल और कुंद के फूलों का बड़ा महत्व है। देखो, यहाँ कुंद जो है वो श्री विष्णु को नहीं चढ़ाया जाता, ये ध्यान रखिएगा। कुंदे मुकुंदे तुलसी गणेशे, भगवान गणेश को कभी भी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए और कुंद का फूल मुकुंद यानी श्री विष्णु को नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। ये नियम है, कुंदे मुकुंदे तुलसी, मतलब पूरा नियम है कि कुंद का पुष्प विष्णु को नहीं चढ़ाना है और तुलसी जो है वो श्री गणेश को नहीं चढ़ाना। तो माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायिकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत के साथ ही उमा चतुर्थी के रूप में भी मनाया जाता है। हमारी संस्कृति में गणेश जी को प्रथम पूज्य का दर्जा दिया गया है। किसी भी देवी देवता की पूजा से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा का विधान है और इन्हें चतुर्थी तिथि का अधिष्ठाता माना गया है। भगवान गणेश बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य को देने वाले हैं। इनकी उपासना शीघ्र फलदायी मानी जाती है। कहते हैं कि इस दिन जो व्यक्ति चतुर्थी व्रत रखता है उसकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। साथ ही भगवान की कृपा से
हर तरह के संकटों से छुटकारा मिलता है, उनके सारे काम बनते हैं, ज्ञान की प्राप्ति होती है और धन धान्य में भी बढ़ोतरी होती है। तो ये थी चर्चा आज किए जाने वाले वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत की। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र के बारे में। आज रात 11:04 तक साध्य योग रहेगा। यदि आपको किसी से विद्या या कोई विधि सीखनी हो तो ये योग अति उत्तम है। साध्य योग में कार्य सीखने या करने में खूब मन लगता है और पूर्ण सफलता मिलती है। साथ ही आज दोपहर 12:35 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में से उत्तरा भाद्रपद 26वां नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का अर्थ है भाग्यशाली पैरों वाला व्यक्ति। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनिदेव है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की राशि मीन है और वनस्पतियों में इसका संबंध नीम के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को नीम के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही नीम के पेड़ को, उसकी लकड़ियों को, उसकी पत्तियों को या उसके फलों को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही किसी इस्तेमाल में लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपको याद दिला दूं कि उत्तरा भाद्रपद एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 4 पंचक है, इसलिए आज पंचक है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य या घर में वुड वर्क नहीं कराना चाहिए और न ही लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आप ये कार्य इस समय में करेंगे तो इसे अच्छा नहीं माना जाता। अतः कल यानी 14 फरवरी 10:43 तक आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी साध्य योग, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और पंचक की चर्चा। और अब बात करते हैं सूर्य के कुंभ राशि में प्रवेश की। आज दोपहर बाद 3:43 पर सूर्य देव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 14 मार्च की दोपहर 12:35 तक कुंभ राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य के किसी भी संक्रांति के दिन संक्रांति के पुण्यकाल का बड़ा महत्व होता है। तो बता दूं कि सूर्य के कुंभ संक्रांति का पुण्यकाल आज सुबह 9:16 से दोपहर बाद 3:43 के बीच होगा। साथ ही सूर्य के किसी भी संक्रांति वाले दिन धन कर्म और दान पुण्य का बड़ा महत्व होता है, इसलिए इस दिन खाने पीने की वस्तुएं और कपड़े दान करने का विशेष महत्व होता है। अतः सूर्यदेव के इस गोचर से 14 मार्च तक विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या असर होगा, सूर्यदेव ने आपके किस स्थान पर गोचर किया है और उस स्थिति में शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, आप हम इसकी चर्चा करें। मेष राशि वालों, सूर्यदेव आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन पत्रिका में इस स्थान का संबंध आमदनी और कामना पूर्ति से है। सूर्यदेव के इस गोचर के प्रभाव से आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपके सामने अच्छे प्रॉफिट के नए बिजनेस प्रपोजल आ सकते हैं। जल्द ही आपकी कोई खास इच्छा भी पूरी हो सकती है। लिहाजा शुभ स्थिति का लाभ पाने के लिए किसी मंदिर में गुड़ से बने हलवे का प्रसाद चढ़ाइए। वृष राशि वालों, सूर्यदेव आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन पत्रिका में इस स्थान का संबंध आपके करियर, राज्य और पिता से है। सूर्यदेव के इस गोचर के प्रभाव से आपको करियर में नई कामयाबी मिलेगी। काम के प्रति आपकी मेहनत सफल होगी। साथ ही आपके पिता की बेहतरी सुनिश्चित होगी और पिता के साथ आपके रिश्ते अच्छे होंगे। लिहाजा इस दौरान सूर्यदेव की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए सूर्य भगवान को गुग्गुल की धूप दिखानी चाहिए। मिथुन राशि वालों, सूर्यदेव आपके 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन पत्रिका में इस स्थान का संबंध आपके भाग्य से है। सूर्यदेव के इस गोचर के प्रभाव से आपको 14 मार्च तक किस्मत का साथ पाने में कुछ परेशानी हो सकती है। आपको उम्मीद के अनुसार अपने काम का फल नहीं मिल पाएगा। अतः सूर्यदेव की अशुभ स्थिति से बचने के लिए और किस्मत का सहयोग पाने के लिए पीपल के पेड़ की डालियों को स्नान के बाद पानी में डालकर कुछ समय बाद स्नान करें। कर्क राशि वालों, सूर्यदेव आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन पत्रिका में इस स्थान का संबंध आपकी आयु से है।
सूर्यदेव के इस गोचर के प्रभाव से आपके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। 14 मार्च तक आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। बाहर का तला भुना खाने से आपको बचना चाहिए और रूटीन एक्सरसाइज पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही सूर्यदेव के अशुभ फलों से बचने के लिए काली गाय या बड़े भाई की सेवा करें। सिंह राशि वालों, सूर्यदेव आपके सातवें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में इस स्थान का संबंध सीधे तौर पर जीवन साथी से है। सूर्यदेव के इस गोचर के प्रभाव से जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। आपको अपने हर कार्य में जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। वो आपके कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। बेहतर होगा कि विश्वास बनाए रखें, लिहाजा 14 मार्च तक जीवन साथी का साथ बनाए रखने के लिए भगवान शिव की उपासना करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। कन्या राशि वालों, सूर्यदेव आपके छठे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में इस स्थान का संबंध स्वास्थ्य, मित्र और शत्रु से है। सूर्यदेव के इस गोचर के प्रभाव से आपके दोस्त आपकी बातों से सहमत होंगे। साथ ही अपने विरोधियों के प्रति भी सावधान रहें, वो आपकी दोस्ती में परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर सकते हैं। लिहाजा 14 मार्च तक दोस्तों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए और शत्रुओं से बचाव के लिए तांबे के लोटे में पानी डालकर उसमें लाल चंदन मिलाकर सूर्य को जल चढ़ाएं। तुला राशि वालों, सूर्यदेव आपके पांचवें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में इस स्थान का संबंध विद्या, गुरु, विवेक, रोमांस और संतान से है। सूर्यदेव के इस गोचर के प्रभाव से विद्या के क्षेत्र में आपकी बढ़ोतरी होगी। आपको अपने टीचर से और गुरु से पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपका विवेक बना रहेगा। रोमांस के क्षेत्र में भी आप आगे रहेंगे। साथ ही आपको संतान का सुख मिलेगा। लिहाजा सूर्यदेव की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए 14 मार्च तक जल में लाल पुष्प डालकर सूर्यदेव को अर्पित करें। वृश्चिक राशि वालों, सूर्यदेव आपके चौथे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में इस स्थान का संबंध भूमि, भवन, वाहन और माता से। सूर्यदेव के इस गोचर के प्रभाव से आपको अपने कार्यों में माता से पूरा सहयोग मिलेगा। वो आपके हर फैसले में आपके साथ खड़ी रहेंगी। साथ ही इस दौरान आपको भूमि, भवन और वाहन का लाभ भी मिल सकता है। लिहाजा 14 मार्च तक सूर्यदेव के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। धनु राशि वालों, सूर्यदेव आपके तीसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में इस स्थान का संबंध आपके भाई बहनों और आपकी अभिव्यक्ति से। सूर्यदेव के इस गोचर के प्रभाव से भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। इस दौरान आपको किसी से भी कोई बात करते समय अपने हाव भाव यानी एक्सप्रेशन पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लिहाजा सूर्यदेव के शुभ फल पाने के लिए चींटियों को आटा खिलाएं। मकर राशि वालों, सूर्यदेव आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में इस स्थान का संबंध सीधे साधे आपके धन और स्वभाव से है। सूर्यदेव के इस गोचर के प्रभाव से आपको धन लाभ होगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपका काम अच्छा चलेगा। इस दौरान आपके स्वभाव में बार बार बदलाव आएगा। लिहाजा इस दौरान सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए मंदिर में नारियल के तेल की शीशी दान करें। कुंभ राशि वालों, सूर्यदेव आपके पहले स्थान यानी लग्न स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में इस स्थान का संबंध आपके शरीर तथा मुख से है। सूर्यदेव के इस गोचर के प्रभाव से आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप अपनी योग्यता से दूसरों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। साथ ही आपकी संतान से के कोर्ट कचहरी संबंधी सभी कार्य आसानी से पूरे होंगे। लिहाजा 14 मार्च तक सूर्य के शुभ फल बनाए रखने के लिए स्नान आदि के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें। मीन राशि वालों, सूर्यदेव आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में इस स्थान का संबंध शैया सुख और व्यय से है। सूर्यदेव के इस गोचर के प्रभाव से आपके जीवन में शैया सुख बना रहेगा, लेकिन इस दौरान आपको पैसों के मामले में अपने हाथ थोड़े खींच कर रखने चाहिए। आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। लिहाजा 14 मार्च तक बिना वजह खर्चों से बचने के लिए आपको धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग देना चाहिए और सुबह के समय अपने घर की खिड़की, दरवाजे ये सब खोल कर रखने चाहिए ताकि सूर्य का प्रकाश
भली भांति आपके घर में आ सके। तो ये सारी चर्चा थी आज सूर्य की कुंभ संक्रांति के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो अगर आप फैशन डिजाइनर हैं, आज आपके दिमाग में कई तरह के नए आइडियाज आएंगे। बी, आज अचानक आपका विचार बदल सकता है, आज कुछ नया करने की ओर आपका दिमाग जाएगा। सी, आज जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें तो बेहतर रहेगा, अपने पारिवारिक सदस्यों की राय जरूर ले लें। डी, ऑफिस में प्रोजेक्ट को पूरा करने में आज आपकी व्यस्तता बनी रहेगी, इस प्रोजेक्ट से आपको लाभ मिलेगा। ई, आज पिता की सेवा का ध्यान रखेंगे, उनको हर किसी टेंशन से दूर रखने की कोशिश करेंगे। एफ, आज पूरा दिन काम में व्यस्त रहेंगे, काम खत्म होने के बाद आराम महसूस होगा। जी, आज के दिन की शुरुआत नए तरीके से होगी, आज पूरा दिन आप बहुत खुश रहेंगे। एच, आज जितना हो सके आप अपने लिए पॉजिटिव सोचें, इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। आई, आपकी मेहनत आज सफल होगी, बस काम के प्रति अपना आत्मविश्वास न कम होने दें। जे, दोस्तों के साथ किसी पार्टी में जाएंगे, वहाँ कुछ नए दोस्तों से भी आपकी मुलाकात होगी। के, आज जितना अपने स्वभाव को कंट्रोल में रखेंगे उतना ही आज का दिन आपके फेवर में रहेगा। एल, डॉक्टर्स के लिए आज का दिन ऊर्जा से भरा रहेगा, कुछ नया सीखने में व्यस्त रहेंगे। एम, आप किसी व्यवसाय को शुरू करने में तुरंत रुपए इन्वेस्ट ना करें, किसी जानकार की सलाह ले लें। एन, आज ऑफिस पहुंचने में देर हो सकती है, बॉस की नज़रों में अपना काम बेहतर बनाए रखें। ओ, जीवन साथी आज आपको मनपसंद शॉपिंग कराएंगे, जिससे रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। पी, किसी के मामले में ज़्यादा ना उलझे, उसे आप सहूलियत के अनुसार काम करने का प्रयास करें। क्यू, इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबारियों का काम अच्छा चलेगा, आज आपको अधिक लाभ होगा। आर, बड़ों की राय लेने में आज हिचकिचाएं नहीं, उनकी सलाह आपके लिए कारगर साबित होगी। एस, किसी खास रिश्तेदार के स्वागत सत्कार में बिजी रहेंगे, आज आपको समय का पता नहीं लगेगा। टी, आपके अंदर की नेगेटिविटी दूर होगी, आत्मनिर्भर होकर आप कोई भी फैसला कर सकते हैं। यू, छात्र अपने से बड़ों की राय ले सकते हैं, जल्द ही करियर से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। वी, बिजनेसमैन के लिए दिन खास रहेगा, क्लाइंट से डील की चल रही बात फाइनल हो जाएगी। डब्ल्यू, लवमेट के लिए आज मनचाही चीज़ खरीद सकते हैं, उन्हें गिफ्ट करेंगे तो रिश्ता और मधुर बनेगा। एक्स, आज आपको परिवार में कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी, जिससे आपका मन काम में लगा रहेगा। वाई, घर पर कोई खास रिश्तेदार आएगा, आज परिवार का माहौल रोज की अपेक्षा अधिक खुशहाल बनेगा। जेड, किसी से लिया गया लोन आज चुकता करेंगे, आपकी टेंशन आज काफ़ी हद तक कम होगी। और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं प्राचीन मरघट वाले हनुमान मंदिर के दर्शन। ये मंदिर पुरानी दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में स्थित है, जहाँ पर हनुमान जी को मरघट वाले बाबा हनुमान कहा जाता है। असल में यहाँ सामने ही मरघट है। कहा जाता है कि रामायण काल में हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे, तब हनुमान जी ने यहाँ यमुना नदी बहते देखी। तो हनुमान जी ने यहाँ कुछ देर विश्राम करने की सोची, लेकिन उनके यहाँ आते ही मरघट में रह रही बुरी शक्तियों में हाहाकार मच गया। हनुमान जी ने सबको मुक्ति प्रदान की। तब यमुना जी ने भी हनुमान जी से कहा कि वो प्रतिवर्ष एक बार उनके दर्शन करने आएंगी। तब से इसे मरघट वाले हनुमान बाबा मंदिर कहा जाने लगा। तो आप भी कीजिए इस पुरातन मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 13 फरवरी को माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है, ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। चतुर्थी तिथि आज दोपहर 2:42 तक रहेगी, उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल दोपहर 12:10 तक रहेगी। पंचमी तिथि में बेल का सेवन करना निषिद्ध है, ये आपके रुतबे के लिए अच्छा नहीं होता। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी
खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज थोड़ी देर संगीत सुने, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।